किस्सा कुर्सी का सीएम कौन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विनोद लांबा। रायबरेली की ऊंचाहार विधानसभा सीट से आज जनता के सवाल रखेंगे उनके नेताओं के सामने। ये सीट फिलहाल समाजवादी पार्टी के पास है, जहां से मनोज कुमार पांडे जी विधायक हैं और इस अखिलेश सरकार में मंत्री भी रहे थे। इससे पहले सीट कांग्रेस के पास रही थी और 2017 में किन मुद्दों के साथ ऊंचाहार विधानसभा के जो लोग हैं वोट डालेंगे उसका जांच और पड़ताल करेंगे, नहीं लोगों से सवाल भी पूछेंगे और नेताओं से भी बात करेंगे। सबसे पहले पैनल से आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं, पूर्व मंत्री हैं और विधायक है मौजूदा हमारे साथ मनोज कुमार पांडे जी, आपका स्वागत है शो पे। बीजेपी से बृजेश सिंह जी हैं और कांग्रेस से राकेश सिंह राणा जी हैं। एक कुर्सी खाली हमेशा रखी जाती है क्योंकि बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई रिप्रेजेंट नहीं करता और यहाँ बहुजन समाजवादी पार्टी का जिक्र करना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य के लड़के पिछली बार यहाँ से चुनाव भी लड़े थे और अब बहुजन समाजवादी पार्टी छोड़ चुके हैं। आपसे मंत्री जी सबसे पहला सवाल यही है, मंत्रालय क्यों गया? देखिए, पार्टी का ये निर्णय होता है। मैं सवा चार साल मंत्री रहा पार्टी में, और लोगों को भी मौका देने का अवसर होता है। और मैं कोई पहली बार मंत्री नहीं रहा, मैं सरकार में दूसरी बार मंत्री रहा, 2004 की भी सरकार में रहा, संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ एक संगठन का पार्टी के। तो मंत्री बनाना या न बनाना या पार्टी में और लोगों को समायोजित करना, ये सरकार का भी अपना काम होता है पार्टी का। मनोज कुमार जी, ये तो आप मानेंगे ना विधायक जी कि जब सरकार का आखिरी साल चल रहा होता है तो प्रमोशन और डिमोशन की तरह देखा जाता है, मंत्रालय देना या लेना? ये ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए, ये सरकार से तो नहीं, आपने पहले सवाल किया कि आपको 4.25 साल से मंत्री क्यों बनाए रखा गया, तो ये सवाल पार्टी का अंदर का होता है। हम लोग पार्टी के संगठन के व्यक्ति हैं और लोगों को भी मौका पार्टी को देना होता है। ठीक है, अब सवाल आपकी जनता से पूछ लेंगे, लेकिन आप पहले अपना दावा बताइए कि 4 साल का जो रिपोर्ट कार्ड है आपका ऊंचाहार विधानसभा के लिए, क्या वो तैयार है और क्या किया है आपने? 3 बड़े काम बताइए ताकि मैं जनता से सवाल ले सकूं और बाकी लोगों को भी इस बहस में शामिल कर सकूं। देखिए, मैं समझता हूं कि ऊंचाहार विधानसभा में आजादी के 69-70 साल बीत जाने के बाद सबसे अधिक काम इन 4.25 सालों में समाजवादी पार्टी की सरकार में हमारे विधायक रहने के बाद ही यहाँ पर हुए। जहाँ तक आप 3 कामों को पूछेंगे, ये ऊंचाहार विधानसभा 4 घंटे बिजली के लिए तरस रहा था। आज यहाँ की 4 लाख से 5 लाख की जनसंख्या ये अपने आप कह रही है कि 16 घंटे निर्विवाद बिजली देने का काम हमारी सरकार में और हमारे विधायक के कार्यकाल में हुआ। इस आजादी के बाद इस पूरी ऊंचाहार में कांग्रेस की सरकारें नहीं है, भाजपा की सरकारें नहीं है। दुर्भाग्य रहा कि एक बिजली घर नहीं था। आज 50 करोड़ की लागत से यहाँ पर 4 बिजली घर दिए गए, 269 सड़कें दी गई आजादी से लेकर अभी तक, यहाँ पर केवल 109 सड़कें बनी 50 सालों में। 246 सड़कें आज समाजवादी पार्टी के हमारे कार्यकाल में यहाँ पर बनी, जिनकी दूरी लगभग 836 किलोमीटर। पहली बार उस रायबरेली को जिसे कहा जाता है वीवीआईपी जिला है, दुर्भाग्य की बात रही कि ये पिछड़े जिलों में उत्तर प्रदेश में ये सबसे 9 नंबर पर ये रहा। क्या कारण था? आज हम कह सकते हैं कि हमारी सरकार में और हमारे कार्यकाल में 29,632 लोगों को छत मिली, जबकि आप देखेंगे 10 साल बिजली दी, सड़क दी और छत दी। जनता से पूछ लेता हूँ, बिजली पहले कितने घंटे आती थी और अब क्या 16 घंटे, जैसे कि विधायक साहब कह रहे हैं 16 घंटे बिजली आती है अब? 16 घंटे कंटिन्यू बिजली का तो जो हाल है, पहले 10 दिन में ट्रांसफर नहीं बदले जाते थे ट्रांसफार्मर, आज 12 घंटे बामुश्किल अगर कोई ट्रांसफार्मर तार टूट जाए तो 12 घंटे भी नहीं लगते हैं और तुरंत नया ट्रांसफार्मर उपलब्ध होता है और लाइन खींची जाती है और बिजली अपने टाइम से, अब लोग घड़ी देखकर बिजली देखकर बताते हैं कि 8 बज गया है जी। तो दावे हैं, इन दावों में जनता भी कुछ लोग सहयोग कर रहे हैं, बिजली की व्यवस्था बढ़ गई है। इससे पहले कांग्रेस को शामिल कर लेता हूं, पहले आप लोग के एमएलए रहे हैं और रायबरेली का जब जिक्र आता है तो गांधी परिवार का भी आता है, वीआईपी सीट भी कही जाती है। तो विधायक जी का दावा है कि उन्होंने बिजली भी दे दी, सड़क भी दे दी और लोगों को, गरीब लोगों को छत भी दे दिया। मैं विधायक जी की बात से ना इत्तेफाक रखता हूँ। आपने कहा कि 69 सालों में आज़ादी के बाद ऊंचाहार विधानसभा में कोई पावर हाउस नहीं लगाया गया, तो मैं माननीय विधायक जी को याद दिलाना चाहता हूँ कि रोहनिया का पावर हाउस और गदागंज का पावर हाउस आदरणीय सोनिया गांधी जी के सहयोग से पावर ग्रिड के माध्यम से लगवाया गया। हम कहेंगे अपने साथी से अपनी जानकारी अच्छी कर लें और हंसी के पात्र न बने। न गदागंज में कोई पावर हाउस था, न रोहनिया में कोई पावर हाउस था। अब पावर हाउस को कभी ट्रांसफार्मर समझ रहे हैं, तो इनकी ये बड़ी नादानी है। पावर हाउस
पावर हाउस 132/11 का होता है, जिसकी कीमत लगभग 9 करोड़ रुपए होती है। पहला बिजली घर ऊंचा हर में 133/11 का 2013 में हमने लगवाया। दूसरा हमारा इटौरा में बन रहा है, चौथा रसूलपुर में शुरू है और पांचवा हमारा जमुनापुर में शिलान्यास हो गया, शुरू हो गया। ये ट्रांसफार्मर को समझ रहे थे। आप बताएं। मैं अपने पूर्व मंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि जो बिजली की व्यवस्था है ऊंचाहर विधानसभा में, 4 से 5 घंटे ही बिजली आती है और लुका छिपी का खेल खेल रही है बिजली। इनके शासनकाल में गुंडागर्दी, अराजकता, भ्रष्टाचार, बलात्कार, दलाली, थानों में ऊंचाहर विधानसभा के जितने भी थाने हैं, जातिगत तरीके से यहाँ पे जो है एसओ रखे जाते हैं, कोतवाल रखे जाते हैं, सिपाही रखे जाते हैं। ऊंचाहर विधानसभा की विडंबना ये है कि इनके जो कथाकथित प्रतिनिधि हैं, उनकी प्रॉपर्टी जो है करोड़ों में हो चुकी है और थाने के आसपास सिर्फ और सिर्फ दलाल मंडराते रहते हैं और युवाओं को, नौजवानों को सिर्फ फर्जी तरीके से मुकदमों में फंसाया गया है। यही काम किया गया है, कुछ नहीं किया गया है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार ने इनको बर्खास्त किया है। इनकी कथनी और करने में कोई फर्क नहीं। जो आरोप लग रहे हैं कि प्रतिनिधि हैं इनके और जो थानों में, चौकी में गुंडाई चलती है, उसमें कितनी सच्चाई है? 100% सच्चाई है उसमें। कैसे? अरे 4 साल पहले ये क्या थे और जब से सरकार बनी है दलाली के माध्यम से इनके करोड़ों अरबों की संपत्ति हो गई है। मंत्री जी और उनके जितने स्पेशल कार्यकर्ता हैं सबकी, अगर इनका RTI द्वारा खुलासा किया जाएगा तो सच सामने आ जाएगा। तो RTI लगाई आप? अभी नहीं लगाई, लगाएंगे अभी तक, अभी नहीं लगे, अब लगाएंगे जी। और किसी को बात करनी है जी संबंध में? मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे अभी हमारे मंत्री जी ने बताया, आज हर गरीब के घर में बिजली कनेक्शन कांग्रेस ने दिया। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत कांग्रेस ने हर को प्रकाश दिया। और मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की मुलायम सिंह सरकार को, वो अखिलेश सरकार जी से, कि उन्होंने पूरे प्रदेश में एक भी बिजली घर या पावर हाउस बता दें कि उन्होंने लगाया हो। अभी जिक्र कर रहे हैं। और राजीव गांधी, फिरोज गांधी तापी विद्युत परियोजना के नाम से ऊंचाहर विधानसभा में ही पूरे देश को विद्युत दी जाती है। और सोनिया गांधी जी ने 24 घंटे बिजली देने का वादा करके यहाँ पावर ग्रिड के माध्यम से सारी व्यवस्था कराया। काम हुए, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस राज में हुए, ये कह रहे हैं ना? ठीक है। और जी बुजुर्ग, क्या व्यवस्था, क्या है व्यवस्था, कैसी है ऊंचाहर की? ठीक है, बिजली की ठीक है, बिजली की ठीक है। और जो आरोप की बात, एक मिनट, जो बता रहे हैं पाणे जी बता रहे हैं ना कि बिजली जो है कांग्रेस ने किया है, जिनसे पूछिए जब पावर हाउस से बिजली ही नहीं जाएगी तो लाइन कैसे बनेगी? कनेक्शन से बिजली घर में नहीं जलती है, पावर हाउस से जाने बिजली जलती है। और जो बिजली है, ईमानदारी से बता दें, जब से पैदा हुए हैं पाणे जी, 55 साल उम्र है, कभी 8 बजे बिजली देखो तो? पाणे जी बताइए, हम आज जिस बिजली की बात की जाती है, आज ये बिजली देखने के लिए हम लोग तरसते थे। हम लोग कस्बा में मेन रोड पे होते हुए कनेक्शन नहीं, बिजली नहीं। ठीक है, आपका सवाल हो गया। रात आती थी और दिन दो दो घंटे केवल लाइट देते थे। यहाँ बिजली जानते नहीं थे, शाम को बिजली कितनी देर आती है, कितनी देर चली जाती है। सर जो लोग जान नहीं पाते हैं, सुनो सर, जहाँ पे आदमी पैदल नहीं चल सकता था, वहाँ जो 4 पहिया गाड़ी से जाते, दूसरे पार्टी के लोग जो प्रचार करते जाते हैं। मैं माननीय विधायक जी से एक चीज पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार है, प्रदेश में कितनी फैक्ट्रियां लगी जब से कांग्रेस की सरकार गई है? जो भी फैक्ट्री पहले लगी हुई थी, चाहे चीनी मिल हो और तमाम स्पिनिंग मिल है, सब बंद हो चुकी। कितनी नए फैक्ट्री चालू हुई, कितनी चालू हो रही, कितनी हो चुकी? उद्योग धंधों के लिए क्या किया आपकी सरकार ने? और एक सवाल है मेरा, उसके बाद जो जनता का भी है और मैंने भी फीडबैक लिया, वो आपसे बाद में पूछूंगा। उद्योग धंधों के लिए और नौकरी के लिए क्या किया आपकी सरकार ने? बिजली को लेकर सुधार है, हालांकि उसमें क्रेडिट कुछ कांग्रेस को भी देना चाह रहे हैं। देखिए, जहां तक बिजली का सवाल है, पूरा देश ये जानता है, अभी NTPC का जिक्र हुआ है और आप एक सम्मानित पत्रकार बंधु भी हैं, NTPC जो बिजली बनाती है वो बेचती है, और वो बिजली ऊंचा हर को नहीं मिलती है,
वो बिजली ग्रिड से वो बेचते हैं यहाँ से लेकर दिल्ली, चंडीगढ़ और पटना और पंजाब में, नंबर एक। दूसरा, हमारे एक साथी ने अभी कहा, हमको उनसे सहानुभूति है, भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता बनते हैं, यद्यपि अभी यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रत्याशी तय नहीं है, एक दर्जन लोग बेचारे परेशान हैं, और वो उनके साथ सहानुभूति इसलिए है कि वो तब की 9वें नंबर पे थे, उनके ऊपर 4 निर्दलीय थे, 3200 वोट वो पाए। सिचुएशन खराब थी समाज 2017 के चुनाव में, 2000 जवाब ले ले, 2017 के चुनाव में मंत्री जी को ऊंचाहार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जो भी होगा समाजवादी पार्टी का जबाना जब करके दिखाएगा। हमको लगता है माननीय मंत्री जी को पावर हाउस और ट्रांसफार्मर में अंतर पता नहीं है, क्योंकि ये जमीनी नेता नहीं है। 33/11 का पावर हाउस गदागंज में बनाया गया, अगर वो ट्रांसफार्मर है, पावर हाउस नहीं है, तो मैं आपको चुनौती देता हूँ भाई साहब, आपसे मैं अनुरोध करूंगा, आप कैमरा लेके जाइए, उस पावर हाउस को कैद करिए। अगर रोहनिया में पावर हाउस नहीं, वो ट्रांसफार्मर है, तो आप अपने माध्यम बिजली पे पेज फंस गया है। कांग्रेस वाले दावा कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी जो मौजूदा विधायक है अपना दावा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बिजली की व्यवस्था पे काम कर रही है। 18,000 का तो क्रेडिट ही नहीं है ना, आपकी जो सरकार बहुत पहले थी, मामला तो यहाँ कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का। मैं राणा साहब सुन लिया आपका। भारतीय जनता पार्टी अब तक 7,000 गांवों में जहां पे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बिजली नहीं पहुंचा पाई थी, 18,000 गांव थे पूरे देश में, 7,000 गांव में भारतीय जनता पार्टी ने जो है अब तक बिजली पहुंचा दिया है मात्र 2 सालों में। मैं भाजपा कांग्रेस वालों को पूछना चाहता हूँ, इनका ना सीएम है ना कैंडिडेट यहाँ का, ये कांग्रेस वाले सीएम का कैंडिडेट घोषित हो चुका है, शीला दीक्षित है, वो आई थी जो वहाँ जो दिल्ली हार गई, यहाँ क्या करेंगे वो आके? भाजपा वालों को तो ना सीएम है ना कैंडिडेट का पता ही नहीं कहीं आए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे बता रहे हैं बीजेपी वाले कि जो है उज्ज्वला के तहत जो है कनेक्शन बांट रहे हैं, मैं ग्राम सभा पूरब गांव का रहने वाला हूँ, कम से कम 70 जो है 100 फार्म जो है भरे हुए रखे हुए हैं, लेकिन एक भी कनेक्शन नहीं हो रहा है। मैं गांव का रहने वाला हूं, मैं बता रहा हूं, जैसे कुछ लोग बता रहे हैं कि बिजली जो है ये है वो है, लोग विरोध कर रहे हैं, विरोधाभास कर रहे हैं, नहीं तो लोग परेड पीटी करते थे, रात भर मच्छर काटते थे और करते थे भैया बिजली नहीं आती थी, लोग जानते नहीं थे कि बिजली कब गई और कब चली गई, और आज लोग इंतजार करते हैं, 8 बज गया बिजली आ गई। और किसी को रखना हो ठीक है, मैं माननीय मंत्री जी से कल इतना पूछना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो ने अभी एक वक्तव्य दिया था कि हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता, हमारे सुधर जाएं, क्योंकि जिस तरह से यहाँ से दलाली कर रहे हैं, जिस तरह से भूमि कब्जा करने का काम कर रहे हैं, तो केवल ये जानना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो की शुरुआत इसी ऊंचाहार विधानसभा से की गई है कि कार्यकर्ताओं को नसीहत देने के लिए कि आपको मध्य प्रदेश से हटाया गया? ठीक है, इसका जवाब दे दीजिए। ये सवाल मेरा तो नहीं है, आपकी जनता का है। ठीक है, ये बेचारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो पदाधिकारी हैं, इनको शायद ये नहीं मालूम कि मनोज पांडे 2004 की सरकार में भी स्टेट मिनिस्टर थे। मनोज पांडे पहली बार इस विधानसभा से विधायक हुए, उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया, कैबिनेट मंत्री बनाया गया, और मनोज पांडे समाजवादी पार्टी के प्रबुद्ध सभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हमारे घर के निर्णय पर इनको बेचारे को तकलीफ है, हमको इन पर दया आती है, हम इनसे कहेंगे कि ये बेचारे प्रयास करें कि जिनके लिए लगे हैं उनको टिकट दिलाने का प्रयास करें कि उनको टिकट मिल जाए। हमारे पार्टी के आंतरिक मामले में हमारी पार्टी है और नेता हमारे हैं, मुख्यमंत्री हमारे हैं, और वो हमें मंत्री बनाते हैं, वो हमें मंत्री के पद से हमको हटा करके किसी दूसरे को बनाते हैं। पार्टी का बड़ा परिवार है, आप देखिए तो हमारे 29 मंत्रियों को हटाया गया, उनके स्थान पे दूसरे को दिया गया, हम कल फिर वापस आ जाएंगे, हमारे और आने जाने से इनको क्यों तकलीफ है? जब तकलीफ हमें नहीं है, हम अपने पार्टी के निर्णय को सर्वोच्च मानते हैं, हमारी पार्टी ने हमें बनाया और आज किसी दूसरे को वहां लगाने की जरूरत थी तो उसको समायोजित किया। आज आप देख रहे हैं अपने इंडिया न्यूज का, कल जरूरत होगी, हो सकता है आपके स्थान पर किसी दूसरे को दिखाया जाए, ये तकलीफ आपको, आपके मैनेजमेंट को होनी चाहिए, ये बेचारे भारतीय जनता पार्टी वाले को। ठीक है, एक सवाल मैं मौर्य प्रसाद स्वामी से पूछ लेता हूँ। एक आपकी राजनीति में एक सवाल शीला दीक्षित से जुड़ा भी है कि कैंडिडेट घोषित कर दिया है, ये तीनों लोगों से जवाब लूंगा एक एक करके, इन दोनों फैक्टर्स को आप कैसे देखते हैं? मौर्य प्रसाद स्वामी का जाना, हालांकि बहुजन समाजवादी पार्टी क्यों अपने नेताओं को नहीं भेज रही है, ये अपने आप में एक सवाल है। तो मौर्य प्रसाद स्वामी और शीला दीक्षित का कैंडिडेट घोषित होना, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये एक पार्टी का अपना निर्णय है, उसका असर क्या है मौर्य प्रसाद स्वामी, क्योंकि उनके बेटे भी लड़े थे ना। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जहां तक सवाल है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी
को बसपा ने निकाला कि वो हटे हैं, अभी यही एक सस्पेंस है। आपकी तरफ तो नहीं आ रहे? मायावती कहती है कि उनको हम बहुत पहले निकाल चुके थे, स्वामी प्रसाद जी कहते हैं कि नहीं हमने पार्टी छोड़ा, अब वो अपना एक नया दल बना रहे हैं, उनका अपना ये निजी और व्यक्तिगत मामला है। इसमें असर नफा नुकसान समाजवादी पार्टी के लिहाज से आप क्या देखते हैं? हम ना इसका कोई नफा देखते हैं और ना इसका नुकसान देखते हैं। समाजवादी पार्टी अपने मजबूत कार्यकर्ताओं के बल पर, अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के 4.5 साल के कार्यों पर, अपनी विकास योजनाओं पर, सेवा पर, किसानों का काम करने पर, हम आप फैक्टर नहीं मानते। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के 2017 के चुनाव में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। 200 स्वामी प्रसाद मौर्य आपकी तरफ आ रहे हैं क्या? और शीला दीक्षित फैक्टर से कैसे टैकल करेंगे? अभी तक जो नहीं, मेरी सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। जो रेस थी, यहाँ अखिलेश है, सीएम है और सीएम का चेहरा भी होंगे अगले, कांग्रेस ने भी अपना सीएम का चेहरा यहाँ घोषित कर दिया है। बीजेपी की जो तैयारियां हैं थोड़ी पीछे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की किसी भी कोई भी तैयारी पीछे नहीं चल रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी की विकास की योजनाओं के बल पे वो काम कर रहा है और प्रधानमंत्री मोदी के विकास कार्यों के दृढ़ संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। और आने वाले समय के 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी और बसपा का ऊंचा हार विधानसभा में जमानत नहीं बचेगी, मैं आपको बता देना चाहता हूं। ठीक है, ठीक है, ये फैसला जनता का, ठीक है। 10,000 वोट मिलेंगे और बसपा को 15,000 वोट मिलेंगे। शीला दीक्षित फैक्टर से आप लोगों को, कार्यकर्ताओं को कोई मैसेज दिया गया है उसे? और राज बब्बर भी आए हैं यूनिट में। निश्चित रूप से शीला दीक्षित जी के आने से एक मैसेज दिया गया है और कि हम वरिष्ठों का आदर करते हैं, जैसा एक मैसेज कन्वे किया था विरोधी पार्टियों ने कि वरिष्ठों को किनारे कर दिया है राहुल जी ने, उन्होंने दिखाया। और शीला दीक्षित जी की विकास परक छवि, क्योंकि उन्होंने, आप जानते हो कि उन्होंने दिल्ली को बदल दिया है, दिल्ली को बदला है। राज बब्बर जी का जुझारूपन, संजय सिंह जी का जुझारू तेवर और प्रमोद तिवारी जी का कुशल प्रबंधन, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की सरकार कांग्रेस की। ठीक है, ठीक है, आप सबके दावे अपने अपने हैं, इसका नतीजा भी आप लोगों को, उच्चार की जनता को करना है। सवाल कुछ और ले लेते हैं। मैं सबसे गुजारिश करूंगा एक एक करके हाथ खड़े कर लें, शांति बनाए रखें, मैं हर किसी के पास आऊंगा। एक सवाल सर, मैं मंत्री जी से एक सवाल पूछना चाह रहा हूं कि माननीय मंत्री जी ने, आपने वादा दावा तो कर दिया कि ओलावृष्टि और सूखा राहत बट गया, लेकिन कहां पे बटा ये हमारे को नहीं पता है। मैं पूछता हूं। एक सवाल सर, शीला दीक्षित अगर दिल्ली में 15 साल सरकार बना के कुछ किया है तो अपनी सीट क्यों नहीं बचा पाई है, इसका जवाब? और किसी को कोई सवाल पूछना हाथ खड़ा कर ले, शांति बनाए रखे, हर किसी के पास आऊंगा मैं, आपके पास। मैं भाजपा और कांग्रेस के साथियों से मैं पूछना चाह रहा हूं कि जब काम की बात होती है, ऊंचाहार के विकास की बात होती है, युवाओं के रोजगार की बात होती है, तब क्यों मौन धारण कर लेते हैं? आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आईटीआई जो औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र जो है, जो माननीय मनोज पांडे ने स्थापित करवाया है, और ऊंचाहार के अंदर जो मंडी की स्थापना करवाई है किसानों के लिए जो है, वो किसकी देन है? और किसी का सवाल हो, ठीक है, जिसने पहले ना पूछा हो। 15 घंटे बिजली आती है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहते हैं कि जब पाकिस्तान से हाथ मिलाते हैं तो हमारे जवान शहीद होते हैं क्यों? जब से मोदी सरकार बनी, किसान तो मर गया, पहले खुद उदाया, फिर सूखा भ्रष्ट हुआ, अब देखिए क्या स्थित है। तो मोदी सरकार ही किसानों के सरकार घबराई हुई है कि किस तरह चुनाव में हम आएंगे, किस तरह लड़ाई लड़ेंगे। जहां तक हमारे कांग्रेस विधायक की बात है, वो 5 साल में कहीं क्षेत्र में नहीं गए, और आप हमारे मंत्री जी बराबर एक एक गली कैबिनेट के मंत्री। और किसी को सवाल ज्यादा से ज्यादा पूछिए, एक ही बार करके जवाब ले लेंगे, सवाल ज्यादा से ज्यादा पूछिए। मैं आ रहा हूँ आपके पास। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि बता रहे हैं कि आपकी जमानत जब्त हो जाएगी, आप भाजपा वोट नहीं पाएगी, सीट नहीं निकालेगी, इसका निर्णय पार्टी का या सामान्य हमारा सदस्य करेगा, वो नहीं करेंगे। वो तो जो ठीक है, वो तो जो कर रहे हैं वो सारी पब्लिक देख रही है। गुंडागर्दी थानों में हो रही है, जगह जगह दलाली चल रही है। जो बता रहे हैं कि जो पैसा बट गया, मुआवजा दलालों को सिर्फ मिला है, दलालों के माध्यम से मिला है। मैं सबसे पहले इस गांव देहात में इंडिया न्यूज के आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक। चलो, किसी ने शुक्रिया तो किया, वरना हम पे आरोप लगा रहे थे। गाँव तक आ गई इतनी बड़ी रिपोर्टिंग। और मैं ये कहता हूँ, हमारी सांसद 15 साल से सोनिया जी है इसी रायबरेली डिस्ट्रिक्ट की। आज घर घर में, अभी कहां बच्चा रो रहा है, दूध नहीं पाता है। अब हम लोगों के शरीर में केवल ब्लड बचा है, उसको निकाल के दिल्ली अगर सोनिया जी और राहुल जी के लिए भेज दे, तब भी हमारा कल्याण नहीं होने वाला। दूसरी चीज, आदित्यनाथ जोगी, साक्षी महाराज, इनसे बड़ा गुंडा कोई भारतीय जनता पार्टी में है?
कितने नाम गिनाऊं गुंडों के। आप पर भी सवाल है क्योंकि 15 साल से अगर सांसद रहते हैं तो सारा ठीकरा जो मौजूदा सरकार होती है स्टेट की उस पर नहीं फोड़ा जाता। अगर आपके इतने वीआईपी सीट थी, इतने बड़े नेता जिन्हें कहा जाता था कि भाई पीएम से भी ज्यादा चलती है, उनका क्या किया हुआ है? जैसे मैंने पहले भी सवाल पूछा था, अगर इतने कार्य हुए तो फिर विधानसभा सीट कैसे? मैं विकास के मामले में, विकास के मुद्दे पे खुली आम चुनौती देता हूँ, कोई भी बहस करने के लिए तैयार हो। जवाब दे दीजिए आप। दे रहे हैं मैं, अगर मेरे छोटे भाई को 5-5 राष्ट्रीय राजमार्ग रायवेली से होकर के गुजर रहे हैं, अगर नहीं दिखता 9-9 शिक्षा के बड़े बड़े संस्थान, अगर इनको नहीं दिखता कल कारखाने, रेल कोच कारखाना नहीं दिखता, निफ्ट इनको नहीं दिखता, एम्स इनको नहीं दिखता है, और सामने एनएच गुजर रहा है फोन लेने। अभी राकेश राणा ने जी ने कहा रेल कोच खुला है, कितने लोग वहाँ जा पाए? 14 लोग। कितने लोगों ने वहाँ जा पाए? सिर्फ वही जा पाए जिनकी जमीनें गई हैं, बाकी कोई जा। और रही गुंडा की बात, तो सपा में शिवपाल यादव से बड़ा कोई गुंडा नहीं है। ये क्या मंत्री जी या मुन्ना मिश्रा जी हमें बताएंगे, शिवपाल यादव से बड़ा कोई गुंडा नहीं है। इस चुनाव में 2017 चुनाव में महिलाओं के लिहाज से युवा है आप लोग, आपसे सवाल पूछता हूँ, सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है उचार विधानसभा से? जी महिलाओं के लिए सभी महिला सशक्तिकरण की सभी पार्टियां बात करती हैं, बट महिलाओं पर कोई भी काम नहीं किया जाते हैं, चाहे उसके आरक्षण के बारे में। एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, यहाँ 12वीं तक की पढ़ाई है, कोई भी यहाँ हायर एजुकेशन नहीं है, सब अपनी दुकान खोल के बैठे हुए हैं प्राइवेट, और कोई भी महिलाओं के लिए कोई आरक्षण वगैरह नहीं है। और सर अभी हमारे मंत्री जी ने ये कहा था, जैसे गरीबों की छत की बात की है, बट आप किसी भी गांव में चले जाइए, हाँ इटौरा बुजुर्ग एनीवे किसी भी गांव में, तो आप देख लीजिए उनके पास ना कोई छत है, गरीब भटकता रहता है इधर उधर, उसकी अभी भी प्रॉब्लम है। जी एक आखिरी सवाल के साथ तीनों से एक ही छोटा छोटा जवाब चाहूंगा, 2017 विधानसभा में उचार विधानसभा में जब आप वोट मांगने जाएंगे तो किस भरोसे के साथ जाएंगे और क्या बात रखेंगे जनता के साथ? देखिए जब हम जनता के बीच जा रहे हैं लगातार, अभी बहुत लोगों को जो जाना है, हम 5 साल से जनता के बीच में हैं, और मैं अकेला मंत्री और विधायक हूं जिसने अपने 980 दिन में 529 दिन अपनी विधानसभा के अंदर गुजारे हैं। हम जनता की हमने जो सेवा किया है, जनता के सुख दुख में जो खड़े रहे हैं, जो उनके लिए छत और पेंशन के लिए ओला बेस्ट में, चेक में, किसान दुर्घटना बीमा योजना में जो उनकी हमने मदद करने का काम किया है, नौजवानों को जो रोजगार देने का हमने काम किया है, हम अपनी सेवा और उनकी की हुई उनके जो अर्जित विश्वास है उनके बल पर हम जनता के बीच में जाएंगे। हम झूठे वादे नहीं करेंगे, हम जनता से हमने जो कहा, हमारी पार्टी ने जो कहा अपने घोषणा पत्र में, उसे 100% हमने पूरा करने का काम किया है, और आज उसी के भरोसे हम जाएंगे। तो आप लोगों के लिए उचार विधानसभा में क्या सबसे बड़ा मुद्दा होगा अगले विधानसभा चुनाव? ऊंचा हार विधानसभा में जो सबसे बड़ा मुद्दा होगा वो भारतीय जनता पार्टी के विकास का मुद्दा होगा। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 52 योजनाएं जो हैं अब तक लॉन्च की हैं। 52 योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने दिया है, और भारतीय जनता पार्टी 52 योजनाओं को लेकर के उत्तर प्रदेश के चुनाव मैदान में कूदेगी। और ऊंचा हार विधानसभा हम ऐतिहासिक वोटों के साथ 2017 का चुनाव जीतेंगे, और ऊंचा हार विधानसभा का आप लोगों के लिए क्या मुद्दा होगा? भैया हम विकास के मुद्दे में जाएंगे, ऊंचा हार के पिछड़ेपन के मुद्दे पे जाएंगे, और हमने लगभग 5 सालों में सोनिया जी की सांसद निधि से, तमाम सांसदों की, कैप्टन सतीश शर्मा की सांसद निधि से के जरिए गांव-गांव सोलर लाइट इंडिया। मौजूदा विधायक कुछ रिपोर्ट कार्ड दिखा रहे हैं, इंदिरा आवास और लोहिया आवास। एक बार एक कागज पढ़ लेते हैं ना, कागज तो बोलते हैं, आप पढ़ लीजिए। 2019 तक ये लॉलीपॉप नहीं चलेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिंदुस्तान के हर घर को पक्का करके दे, हर घर को पानी देने जा रही है, पूरे समाज को 24 घंटे बिजली देने जा रही है। ठीक आज तक हमने कभी किसी ने देखिए ये एक साल के जिस विकास खंड में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, इसी विकास खंड में के ये लोहिया और इंदिरा आवासों की सूची है। 2011 में आप देख लीजिए, ये शून्य है, 2011 में शून्य है, कांग्रेस के विधायक थे यहाँ पर। और आज आप देख लीजिए 2012, 13, 14, 15 मिलाकर 12,629 कॉलोनियां इसमें है, जबकि 2011 में शून्य है। हम इस पर किसी पे वाद विवाद नहीं करना चाहते। आज जो विकास है, जो सरकार के कार्य है और जो सेवाएं हैं वो जनता के सामने है। आने वाले 2017 में यही जनता
वह सही निर्णय देने का काम करेगी। ठीक है, ये जनता को डिसाइड करना है कि आखिर क्या निर्णय देना है, और सही निर्णय देने का जो हक है वो जनता के पास है और जनता इसे बखूबी अंजाम देगी। फिलहाल कुचार विधानसभा सीट से प्रकाश तिवारी के साथ विनोद लांबा, इंडिया न्यूज़ रायबरेली।